सबके लिए एक खुशखबरी थी, मुझे खुशखबरी बतानी है आपको। मुझे पोजेशन मिल रहा है और मेरे पास अभी मैंने फ़ोन करके पूछा, बोला कि आ जाओ, तो मैं पूछ रही थी मेरा आना ज़रूरी है, पापा जी ले जाएंगे, तो बोलते नहीं आपका आना ज़रूरी है, आपके साइन वगैरह होते होंगे कुछ, तो काफ़ी दूर है, कम से कम 20-25 मिनट लग जाते हैं वहाँ ऑफिस तक पहुँचने में, तो पापा जी के साथ स्कूटर पर जा रही हूँ और अपने उस घर का पोजेशन लेकर आती हूँ मैं, और इस खुशखबरी को फिर हम अच्छे से सेलिब्रेट भी करेंगे ना, करेंगे। तो मैं निकलती हूँ, मैंने जींस नॉर्मल कैजुअल कपड़े पहने हैं, जींस टी शर्ट। दरवाज़ा मैं बंद कर देती हूँ वरना विहान, यार मैं ना जाम हो जाते हैं विहान बाबू ना, वरना करेगा। आ गया देखो मेरा बांदरू बच्चा, और रूम को थोड़ा हालत को इग्नोर कर दीजिएगा, आके करूँगी सफाई, अभी टाइम नहीं लगा, सुबह से बिजी चल रही हूँ उस घर के चक्कर में। ये लो मम्मी खाना खिला रहे हैं, मम्मा मैं जा रही हूँ। क्या मैं कह रही हूँ मैं जा रही हूँ, मम्मी कह रही है थैंक यू थैंक यू, वाओ क्या रिप्लाई है, थैंक यू। करीबन एक घंटा लग गया यहाँ, तो कम टाइम में ही हो गया, आधे घंटे में काम हो गया था, आधा घंटा में यहाँ पहुँचने में लग गया था, तो हमारा काम बन गया है, हमें पोजेशन मिल गया है, पोजेशन लेटर और वो चीज़ें मिल गई हैं। पोजेशन लेटर क्यों ज़रूरी था मैं बता देती हूँ, क्योंकि अब इसको पहले तो अभी हम लेमिनेशन करवाएंगे इस कागज़ की, उसके बाद इस पेपर को दिखा के ही हमारा बिजली का सीवेज का कनेक्शन जो है ना, पानी का कनेक्शन वो होगा पास, तो इसीलिए ज़रूरी था इतना घूमना, तो हमें फिज़िकल पोजेशन मिल गया है, चलो ये अच्छी खबर है, अच्छा लगता है ना। चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा निकलते हैं। बैठो पापा जी, चलो एक काम तो हो गया, 3 दिन लग गए, 3 दिन से घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे थे, कभी यहाँ के, कभी एफिडेविट बनवाने के, कोर्ट के, पर एट लास्ट हो गया, ये सारा काम तो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ, हम दुकान पे आए थे पापा जी और मैं, एक्चुअली हमें ना हमारा जो घर है उसके दरवाजे बनवाने हैं, आप सोचोगे दरवाजे तो बने हुए हैं, बने तो हुए हैं, पर जाली वाले दरवाजे बनवाने हैं और खिड़कियाँ भी लगवानी है जाली वाली, ताकि घर में थोड़ी सेफ्टी रहे, और फिर ये हो जाएगा ना इसके बाद जैसे हवा मतलब अच्छी आएगी, जैसे हम ना दूसरा वाला जाली वाला दरवाजा बंद कर लिया करेंगे, इससे ना विहान बाबू की भी सेफ्टी रहेगी ना हमारे घर में, तो इसलिए ना हम सारी चीज़ें करने लग रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो कारीगर से बात करी थी हमने, तो वो ना घर आके हमारे जैसे दरवाजों का पहले नाप लिया जाएगा ना, तो नाप लेंगे, तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपना ये दुकान पर, यहाँ से मेरे को ना जो मेरे को पोजेशन मिल गया है उसकी ना लेमिनेशन की कॉपी करवा के रखनी है, क्योंकि कागज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट कागज होता है, और सर ने मुझे बोला है कि इसको संभाल के रखना, आगे भी कुछ भी सरकारी कामकाज होगा ना ये इसी कागज़ को देखकर ही होगा, तो इसकी आप लेमिनेशन की कॉपी भी निकलवा लीजिए, और साथ में ना आप 3-4 फोटोकॉपी भी निकलवा के रख लीजिए। और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब काम में ऐसी लगी हुई हूँ ना पिछले कुछ दिनों से, लगा लो 8-10 दिन तो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम का प्रेशर है, उसके बावजूद मैं टाइम निकालती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे दुकान पे ना इतनी मिठाइयाँ रखी हुई थी, और मेरे मन में आ रहा था कि मैं कुछ ले लूँ विहान बाबू के लिए फिर, लेकिन मम्मी ने ना घर पे ही ना खोए की मिठाई बना दी थी विहान बाबू के लिए, इसलिए कुछ नहीं लिया, लेकिन मुझे केले तो लेने थे, क्योंकि विहान बाबू को डेली हम एक केला खिलाते हैं, क्योंकि वो केला ना खुश होके खाता है और ना काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ना खाने में। तो यहाँ पे ना मैं बताती हूँ, मेरे को 20 रुपये के 8 केले मिले थे, 8 केले मिले थे, लेकिन मंडी में जाते हैं तो 20 रुपये के दर्जन मिल जाते हैं, तो कोई नहीं पापा जी तो कह रहे थे मंडी से ले लो, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं पापा जी थके हुए हैं काफ़ी टाइम, आप तो जानते ही हो कि कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी हूँ, कभी कोर्ट में जाना पड़ रहा है, कभी कोई कागज़ बनवाना पड़ता है, ये सब काम चल रहे हैं, तो उस वजह से ना अभी मेरे पास थोड़ा सा ब्लॉगिंग मैं कम कर रही हूँ इसीलिए, क्योंकि अभी भी मेरे को निकलना है, देखिए अभी बस मैं नहा के आई थी, और मतलब मेरे को ना जींस में ना गर्मी लगती है मेरे से ना, जैसे मैं बाहर निकल तो जाती हूँ जींस में, अभी मैं थोड़े दिनों बाद थोड़ा कंटिन्यू करूँगी ज़्यादा जींस पहनना, गर्मी बहुत लगती है, मतलब कपड़ा ऐसा होता है ना जींस का, तो अभी तो मैं पजामे टी शर्ट में ही जाऊँगी, मुझे जाना है ऑफिस जाना है, बिजली पानी का काम करवा के आना है ना, तो अभी पापा जी ने मुझे टाइम दिया था 10 बजे, लेकिन 12 बज चुके हैं, तो काफ़ी लेट हो गया है, तो निकलूँगी मैं। और आप भी मेरे को जानते हो कि ना, देखिए मैंने ना अपनी लाइफ में ना किसी को भी ना आज तक खुद पे मतलब तरस खाने का,
कि कोई मुझे मतलब तरस खाने का मन नहीं, बस मेरे मन में ये चीज रहती है कोई मेरे को अगर जाने ना निधि, तो मेरे निधि शब्द सुन के ना कोई ये ना सोचे कि बेचारी लड़की थी, नहीं बेचारी नहीं थी, कोई मेरे को जाने ना या बोले मेरे बारे में तो ये ना कहे कि निधि बेचारी थी, नहीं ये कहे कि हाँ निधि एक बहुत ही स्ट्रोंग लड़की थी, बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। मैं अपने लिए हिम्मत वाली लड़की शब्द ज्यादा अच्छे से सुनना पसंद करूंगी। इसीलिए आप भी जानते हो, पता है क्या, हर एक इंसान की जिंदगी में ना ऐसे लोग जरूर होते हैं, कोई ना कोई होता है जो आपको ना परेशान देख के, दुखी देख के खुश होता है, खुश होता है। आपकी जिंदगी में भी होंगे, उनको ना वो क्या करते हैं फिर आपकी जिंदगी से खुद की जिंदगी को कंपेयर करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि चलो हमारी जिंदगी, चलो इनसे तो अच्छी ही है ना, चलो हम ठीक है, चलो मतलब मन ही मन मतलब बोलेंगे नहीं, हो सकता है आपके सामने ये भी शो कर दे कि नहीं हमें बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के, दुखी देख के, बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जो कभी हमारी जिंदगी में नहीं है तो दूसरे की जिंदगी में है। मतलब आप समझ सकते हो ना, दूसरे की जिंदगी की कमी से खुद की जिंदगी को फुलफिल करते हैं लोग, ऐसे होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। तो इसीलिए ना मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी को कोई देखे ना दूर से किसी को दिखे तो वो ना ये सोचे कि हाँ काश निधि जैसी जिंदगी हम जी पाते, ऐसी जिंदगी जी के जानी है मेरे को, मतलब खुद को ऐसा बनाना है स्ट्रॉन्ग माइंडेड। तो मेरे को ना मैंने कल आज भी पोस्ट डाली थी कि कुछ कॉमेंट्स आपने मेरे को उसे पूछने हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ताकि ना मतलब अभी आपको पता ही है कुछ 3-4 दिन मैं बिजी चल रही हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा चलो मैं ये कॉमेंट है ज्यादा नहीं है, मैंने 5-7 हर्ट दिए हैं, मैं पता है आप मेरे को कॉमेंट करते रहिए, मैं उनको दिल देती रहूंगी, उनके आंसर्स देती रहूंगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले है नौटंकी कब बंद करोगी। आप जैसे बहू किसी के घर में जाएगी तो उस घर का कभी भला नहीं हो सकता, आपके माँ बाप की हालत पर तरस आता है। तो आप मुझे बोल रहे हो मैं क्या बोलूँ अब, मैं अब आप कैसी बहू हो किसी के घर में जाएगी तो उस घर का कभी भला नहीं हो सकता, इसका मतलब तो आप सरासर मुझ पे ब्लेम कर रहे हो। मतलब मैं समझ रही हूँ आप क्या बोलने लग रहे हो, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, आप ऐसे कॉमेंट मत किया कीजिए। दूसरा कॉमेंट है, आप साफ सफाई क्यों नहीं रखते, मेरा तो एवरी टाइम यही क्वेश्चन होता है, प्लीज आंसर जरूर करना। साफ सफाई करते हैं लेकिन ना मतलब हो सकता हो कि आपके घर में ज्यादा बहुत ही ज्यादा साफ सफाई रहती हो, हम करते तो हैं, हमारे घर में ना सफाई होती है पर चीजें व्यवस्थित नहीं होती है, ये मैं बात मान सकती हूँ। आप ये कह सकते हो हमारे घर में रोज झाड़ू भी लगता है, पोछा भी लगता है, सामान भी सेट करते हैं पर वो इधर उधर मिसप्लेस हो जाता है, तरीके से चीज सामान नहीं रखा हुआ, बस ये बात है। जस्ट ये वाला कमेंट मैं बाद में पढ़ूंगी। आप शादी कर लीजिए निधि जी, अपने सुख दुख बताने के लिए एक दिन विहान भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा। हाँ मैं जानती हूँ, और मैं विहान बाबू से इतनी कोई उम्मीद नहीं करती हूँ, मतलब मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अपने बच्चे को लेके अपने सीने से लगा के पूरी जिंदगी बैठूंगी, नहीं। जब शादी हो जाएगी उसका अपना एक घर होगा, उसकी एक पर्सनल लाइफ होगी और मैं उसके पर्सनल स्पेस में मैं कभी भी नहीं घुसूंगी, क्योंकि मेरे को भी उसकी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कल को मेरा बच्चा बड़ा होगा, उसकी पत्नी आएगी, वो कैसे भी रहे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए दोनों, मतलब बेटा बहू जो भी होंगे आगे 20-25 साल बाद, तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से अपनी टर्म्स पे जिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दुख भी नहीं है इस बात का, ऐसी लाइफ जीनी चाहिए। और बात शादी की है तो शादी के लिए प्यार होना ज़रूरी होता है, और मुझे अभी तक किसी से दोबारा प्यार नहीं हुआ, सनी से प्यार हुआ था और मैं अभी भी यही बात बोलती हूँ कि जिस दिन प्यार हुआ तो शायद मैं कर भी लूँ, नहीं होगा तो नहीं करूँगी, चाहे 10-20 साल आप मुझे ऐसे ही देखोगे, क्योंकि शादी प्यार के लिए की जाती है, समझौतों के लिए नहीं मैं कर सकती हूँ। तो अगला मेरा क्वेश्चन है, मैं पढ़ रही हूँ, एक मिनट, कौन आया है? हाँ जी, यहाँ ऊपर तो कोई नहीं रहता। हाँ बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओके। न्यू ड्रामे कम किया करो, हर बार कोई ना कोई बात टॉपिक नहीं होता तो ले आती हूँ, नहीं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अपनी रियल लाइफ आप सबके सामने रखती हूँ, जो बात लाइफ में चलती है वो आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। हाय निधि, कैसे हो आप, एंड यू आर माय फेवरेट ब्लॉगर, थैंक यू गुनीका जी, थैंक यू। तुम्हारे 5 लाख के ऑर्डर का क्या हुआ, वो फिशिंग ईमेल नहीं था, 110% ऑर्डर आईडी साथ, नायका SMS नहीं करते, बस ट्रैकिंग लिंक रहता है जी वो। हाँ मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहली चीज़ तो ये मैंने मैसेज पढ़ा है, मैं किसी भी मतलब ई कॉमर्स का मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सही गलत, मैं बस इतना बता रही हूँ कि मेरे पास किसी ई कॉमर्स साइट से मैसेजेस आए थे मेरे पास, और वो
मैसेजेस फेक नहीं थे, वो मैसेजेस फेक नहीं थे और वो जेन्युइन थे पूरी तरीके से, और वो सामान भी डिलीवर होने लग रहा था। लेकिन आपको भी पता है सामान डिलीवर होने से पहले कंपनी आपके पास फ़ोन करती है पूछने के लिए, अगर आपका कैश ऑन डिलीवरी पे ज़्यादा का ऑर्डर होता है तो पूछती है कि हाँ ये ऑर्डर करना है नहीं करना। तो सारे एक एक ऑर्डर को फ़ोन पे बात कर करके कैंसिल करवाए थे और उनको बोला था कि आप इस नंबर से, मेरे नंबर से अगर कोई और ऑर्डर आ रहा है तो आप मत लीजिए। बस ये बात थी, मैंने और भी बहुत से आए थे ऑर्डर्स जो मैंने कैंसिल करवाए हैं, और ये बात सच थी कि ऑर्डर कर रखे थे मेरे घर का एड्रेस देके प्रोडक्ट्स, तो मैं कैंसिल करवाए हैं। बस मैं ये बात बता रही थी। कोई भी कहाँ, आप दिल की बहुत अच्छी हो ये दिखता है। थैंक यू ब्लू मून जी। अब आप अपने न्यू घर में काम कब शुरू करवाओगे? चलना बस शुरू हो गया, एक दो दिन में शुरू हो जाएगा, एक दो दिन बस। हेलो दी, कैसे हो? जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आप जो भी कर रहे हो अपने बेटे के लिए कर रहे हो, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप खाना बनाना सीखो। ठीक है जी, वैसे मुझे आता तो है लेकिन चलो और अच्छा खाना बनाना सीखूंगी आप कहते हो तो। दीदी आपका कौन सा कलर पसंद है? मुझे कौन सा कलर पसंद है, मुझे पिंक कलर भी अच्छा लगता है, बेबी पिंक कलर होता है ना, मतलब वो कलर भी मुझे पसंद है। इसके अलावा मुझे और कौन सा कलर पसंद है, बेबी पिंक कलर तो मुझे अच्छा लगता है, मैं श्योर हूँ उस कलर के लिए। तो मुझे ब्लू कलर भी अच्छा लगता है, मुझे ब्लू कलर भी पसंद है। बता दिया। निधि कब, हम कब मिलेंगे? अंजू कुंडलास जी, आप जब मन करो आप आओ मेरे घर, मिल लेंगे, कभी मेरा चक्कर लगा आपके यहाँ, नज़दीक ही है पंचकुला तो ज़्यादा दूर नहीं है, आ सकते हैं, आप भी आ सकते हो जब मन करो, आओ आप मिलने, यहाँ से भी मिलिए। तो जी ये कुछ मैंने सारे नहीं कमेंट्स रीड करे हैं, कुछ कमेंट्स को मैंने हर्ट दे दिया था, मैंने वो रीड करे हैं, और जो कमेंट्स मैंने रीड नहीं करे हैं आप मुझे मेरी उस पोस्ट के नीचे कमेंट्स करते जाइए, मैं उनके भी जवाब आप सबके सामने करती रहूँगी। ठीक है जी, धीरे धीरे जब तक मैं थोड़ा फ्री तो क्या बिजी हूँ, इसीलिए अभी मैं आप सबसे बात करने के लिए आई थी, अब मुझे निकलना पड़ेगा, काम से जा रही हूँ। अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो को फटाफट अपने फेसबुक में, जहाँ भी मैसेंजर पे, फेसबुक पे, पेजेस पे शेयर कर दीजिए, और सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।